नमस्कार डॉक्टर्स स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम कोविड से संबंधित आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी सवालात हैं, उन सवालातों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान चिकित्सक यहां पर मौजूद रहते हैं। आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपना सवाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर डीडी न्यूज़ लाइव, जो डीडी न्यूज़ का फेसबुक पेज है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप सवाल लिखिएगा, हम वो सवाल डॉक्टर से पूछेंगे। और आज ये जो कार्यक्रम इस वक्त हम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम है कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं, कोरोना मरीज़, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह से उनका इलाज होगा, इस सब को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ मौजूद हैं। अमृत, यस चंद्रशेखर, थैंक यू। आई एम जॉइनिंग वर्चुअली फ्रॉम होम, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। व्हाट वी आर डूइंग हियर इन डीडी न्यूज़ एंड डीडी इंडिया इज ट्राइंग टू गो वर्क फ्रॉम होम एज फार एज पॉसिबल टू ब्रिंग यू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट। द आइडिया इज प्लीज डू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम अनलेस एब्सोल्युटली necessary. If you have to step out of home, wear your mask, and it's very, very important that if you're eligible, go and get yourself vaccinated. These are the only weapons that we have to defeat the pandemic. Follow the COVID protocols, maintain social distancing. Now the new research says aerosols can spread by up to 10 meters of difference distance. So keep adequate distance, wear a mask. Preferably get yourself double masked if you need to absolutely step out of home, and if you're eligible, get yourself a vaccine. The vaccine may not completely protect you against COVID. You might still get the infection, but it will surely lessen the severity of the infection. As Chandrasekhar said, today over the next 1 hour we'll talk about what do people with comorbidities, that means people who have other medical issues before COVID, like diabetes, a heart condition, or an organ transplant, high blood pressure, etc. Do. We have a special, we have three special guests joining us who Chandrasekhar will introduce with us over the next 1 hour, and you can ask your questions directly to them. Chandrasekhar Joshi. ओके अमृत, हमारे साथ मौजूद हैं तीन चिकित्सक, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरू अग्रवाल हमारे साथ हैं एचओडी नेफ्रोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल, हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी हैं एसोसिएट प्रोफेसर ILBS और प्रोफेसर GD पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, HOD हैं इंटेंसिव केयर PGI चंडीगढ़ से। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर नीरू अग्रवाल, आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी जिन लोगों को होती है उनको कुछ ज़्यादा परेशानी है इस बीमारी से, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? जितने भी लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लिवर की डिजीज़ है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, COPD या ऐसी डिजीज़ हैं, उन सबको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस में मानते हैं। साथ ही जो लोग इम्यूनो सप्रेस्ड हैं ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज़ या जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, लिवर का, किडनी का, लंग का, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, ये सब इम्यूनो सप्रेस हैं और ये कोमॉर्बिड कंडीशंस कहलाती हैं। जिन लोगों को कोरोना इन कंडीशंस के साथ होता है, उनका आउटकम बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की। और कोरोना के जो, क्योंकि हमारे बॉडी पे जब अटैक करता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से भी फिडल करता है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनका मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी वजह से जो उनका मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी दोनों बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, वन क्वेश्चन इज दैट पीपल हैव दैट आर पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज मोर ससेप्टेबल टू कोरोना और इज इट दैट दे आर इक्वली ससेप्टेबल लाइक हेल्थी पीपल बट दे कुड गेट सीवियर कोरोना और इज इट दैट दे नीड टू टेक सम स्पेशल केयर और अ स्पेशल डाइटरी प्रेफरेंस और अ स्पेशल ट्रीटमेंट, इफ यू कुड क्लियर द एयर ऑन दैट प्लीज। Anybody who has comorbidity has his own underlying disease.
इट डज नॉट मीन दैट द कोरोना इज मोर इन्फेक्शियस इन दैम. नो इट्स नॉट. द कॉम्प्लिकेशंस आर हाई बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट सिचुएशन प्रॉपरली. So this is the reason the complication rate is high. That is why if the these people have corona infection, they would have more. There is a higher risk for complications. They might have COVID pneumonia, which could be more severe. They may not be able to fight with the infection. So all those complications that we hear about the corona would be more severe as compared to a normal person or a young person who is able to fight with any infection easily. ठीक है. प्रोफेसर जीडी पुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ से. प्रोफेसर पुरी, अगर हम कोमॉर्बिडिटी की बात करते हैं तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि जिन लोगों को पहले से कुछ बीमारियां हैं उनको हम कोमॉर्बिड कंडीशन में रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से हम कोमॉर्बिडिटी को डिफाइन करेंगे कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, जैसे ऑलरेडी बताया है जी, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, ये सारी, और कोई एंडोक्राइन डिजीज, जो डायबिटीज इज अ वेरी मेजर कंडीशन विच कैन इंक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड. इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि कोविड कैन प्रेसिपिटेट डायबिटीज इन ससेप्टिबल पीपल, वेदर डायरेक्टली बाय अफेक्टिंग द पैंक्रियाज और अदरवाइज, दैट्स नॉट वेरी क्लियर. बट सो डायबिटीज वाले मरीज हैं बहुत susceptible होते, they are susceptible, not only susceptible, they, because of their decreased immunity, they, in addition, जो हम treatment भी देते हैं इनको, वो can complicate the diabetes, like this, steroids is one of the treatment of this. So, ये diabetes ज्यादा flare up हो जाती है, और आजकल तो आप देख रहे होंगे, जो patients diabetic हैं, उनको steroids मिले, और अगर there's chances of उनको fungus infection, जो आजकल जिसको गलती से लोग ब्लैक फंगस बोलते हैं, बट एक्चुअली ये ब्लैक फंगस नहीं है, क्यूकर माइकोसिस है, तो उनका भी चांसेस बढ़ जाता है. सो इनफैक्ट जैसे मैडम ने बताया, दीज पेशेंट्स मे नॉट बी एज सच डायरेक्टली कि उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, बट हाँ, इम्यूनिटी अगर कम है बिकॉज ऑफ देयर, जैसे स्टीराइड्स पे हुए हैं, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं, तो उनका चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज देयर. और जब इन्फेक्शन हो जाता है, इनफैक्ट इस तरह के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जब भी इंटेंसिव केयर में आते हैं, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं. सो अगर उनको कोरोना हो गया, फिर उनको आईसीयू में चले गए, तो उनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा. इसीलिए कोमॉर्बिड कंडीशन में कहते हैं कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है. सो दैट्स व्हाई वी से रिमेन एट होम, try to avoid and the gatherings and get yourself vaccinated so that aapki immunity against the corona badh jaye. theek hai. Dr. Ashok Chaudhary hamare sath jude hue hain, associate professor hain ILBS se. Dr. Chaudhary, corona hoga wo baat hum baad mein karenge, lekin jo log comorbid hain unko corona na ho, iske liye kya kuch kare wo log? theke ye bahut aam क्वेश्चन ने आपने बताया कि कोरोना नहीं होने के लिए ही हम, और आज आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया है जिसमें कि 50% ऑफ पीपल्स आर नॉट यूजिंग मास्क. आप ये समझ लीजिए, जब इंडिया में 4 लाख लोगों की केसेस हो रहे थे तभी भी हमने 50% लोग नहीं यूज करे, और सबसे उससे बड़ा दुखी है कि 7% लोग 7% जो है प्रॉपरली मास्क यूज कर रहे, यही है सबसे बड़े प्रॉब्लम. तो मैं आपको पहले बताऊंगा, जो 3 चीज हमको चाहिए, एक है वैक्सीन, जो अभी तक भी लोगों ने सोचा था लेंगे, देख लेते, दूसरे ले ले, फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा तो सोच लेंगे, तो जिसके वजह से आज ये हाल. तो हमको यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करना है जिसमें कि कोमोरबिडिटी वाले आएंगे, और मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा जागरूक हमको करानी है जिन लोगों इसी ग्रुप में आ रहे कि वैक्सीन लेंगे, दैट इज वन. देन 2 है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सोशल वैक्सीन. सोशल वैक्सीन का मतलब होता है कि जो वैक्सीन वो अलग हो गए, जो हमको प्रिवेंट करता वो है आपका मास्क प्रॉपरली यूज करना, जो मैंने अभी बताया, सैनिटाइजेशन, जो कि काफी लोग भूल चुके, एंड 3rd है कि सोशल डिस्टेंसिंग. तो उसके लिए क्या करनी है, मास्क आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, घर में भी है तभी भी मास्क यूज करना है, जैसे आप लोग भी टीवी सेट में होके तभी भी यूज कर रहे हैं, तो काफी तक लोगों पब्लिक को भी हमको यही होना है, जब भी आप कोमॉर्बिड डिजीज है डेफिनेटली उसको फॉलो करनी, घर में भी मास्क यूज करना है, बिकॉज
अभी काफी तक आ रहे एरोजेनिक है, ड्रॉपलेट्स है, तो ये सारी चीज बचाने के लिए मास्क हमको यूज करना पड़ेगा इवन एट होम। देन सोशल डिस्टेंसिंग जो नॉर्म है हम कितना फॉलो कर पाते, एंड उसके साथ जो मोर इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जैसे कोमॉर्बिड डिजीज है तो हॉस्पिटल विजिट, आउटसाइड मूवमेंट्स, अनवांटेड मूवमेंट्स किससे मिलना, ये जो चीज होती है उसको कितना हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जाना नहीं है, जाना है तो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना है, तो ये चीज करना है कि जैसे इन्फेक्शन प्रोन एरिया हो, आउटसाइड मूवमेंट अननेसेसरी हो, उसको अवॉइड करनी है, ये बहुत जरूरी है। तीसरी है कि आप भी कोई मेडिकल इलनेस के लिए आप एक अच्छा सा मौका है कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में, टेली मेडिसिन हुआ या पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, तो बी इन टच की आपके ट्रीटमेंट हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे मैं इम्पोर्टेंट जो बताया, वैक्सीन एंड सोशल वैक्सीन, ये दोनों ही होना चाहिए सबके लिए, एंड स्पेशली जो कॉमोडिटी है इनके लिए थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, इसके द्वारा ही हम सबको बचा सकते या प्रिवेंट कर सकते कोरोना से। ठीक है अमृत। और प्रोफेसर पुरी, आई वांट टू कम टू म्यूकोमाइकोसिस, बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इन्फेक्शंस, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेथ, बट इन टर्म्स ऑफ श्योर नंबर्स दे मे बी लेस राइट नाउ, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पहले तो मैं आपसे एक एकेडमिक सवाल पूछ लेता हूँ, यू सेड लोग इसको गलती से ब्लैक फंगस कहते हैं, व्हाई डू यू से सो? ये जो फंगस स्पोर जो इनको एसेप्टेट हाइफी से जो होती है, दैट इज नॉट द एक्चुअली द ब्लैक फंगस रियली, वो जो मेलेनिन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम एग्जैक्टली ऑफ दैट फंगस, बट उसकी वॉल जो है ब्लैकिश कलर की मेलेनिन होती है उसमें। सो बट दिस इज, ये जो म्यूकर माइकोसिस है जो साइनसिस में, लंग्स में और साइनसिस के थ्रू ब्रेन में भी फैल जाती है, आंख में भी फैल जाती है और बड़ी इन्वेजिव होती है, दिस इज नॉट एक्चुअली ब्लैक फंगस, इज अ मिसनोमर पीपल से। और इससे क्या होता है, इससे हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन और दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं, नाक बंद हो जाता है, स्टफीनेस होती है, एंड एज वी नो द मेन कॉज इज अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये होता है, जो स्टीरॉइड ज्यादा हो, डायबिटिक हो, और हवा में तो इसके स्पोर मिलते हैं और ज्यादा उन जगह मिलते हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन होती है। सो इसलिए ये इन जनरल भी म्यूकरमाइकोसिस होता था, बट आज की डेट में जबकि 4 लाख हर रोज मरीज कोविड से ग्रस्त हो रहे हैं, और उनमें से अगर हम 10-15-20 हजार को भी हम सोचें कि स्टीरॉयड देंगे, और अगर उनमें से 50% को भी या 10-20% को भी गलती से ज्यादा स्टीरॉयड दे दिए, और ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड शुगर बड़ा बढ़ जाता है स्टीरॉयड से। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, स्टीरॉयड्स एंड हाई डोजेस ऑफ स्टीरॉयड गिवन फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम इज ए, जो कहते हैं ना कि फंगस को ग्रो करने का मौका मिल जाता है, और ये बहुत तेज फैलती है एक बार चलिए ये ठीक है। तो प्रोफेसर पुरी, हाउ डू वी व्हाट प्रिकॉशंस डू वी टेक दैट वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम म्यूकोमाइकोसिस? देखिए, सबसे पहली जो बात है, शुगर कंट्रोल करना है। डायबिटीज पेशेंट्स, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, दे आर ससेप्टिबल टू दिस। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर डायबिटिक पेशेंट हो, अगर उसको कोरोना हो, अदरवाइज भी, बट उसको कोविड हो जाता है, तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल बड़ा टाइट टाइट, मतलब कि इतना नहीं कि उसको 200, 300, 400 चल रहा हो, क्योंकि जितना ज्यादा शुगर होगा उसका चांसेस ये म्यूकर माइकोसिस का ज्यादा हो जाता है। जब स्टीरॉयड देते हैं तो ये स्टीरॉयड जो है हाई डोज में ना दे, रिकमेंडेड डोजेज है 6 मिलीग्राम एवरी डे फॉर 10 डेज, 5 to 10 डेज डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ हाइपोक्सिया। होता क्या है, लोग इसको हाई डोज में देते हैं, हाई डोज भी 2-3 दिन हाई डोज नहीं देते, हफ्ते हफ्ते चलाते रहते हैं। मैं तो कई बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं जबकि जिनको 200-250 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोन हफ्तों से चल रहा है। सो दैट इज द मिस यूज और इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द स्टीरॉइड विच इज काजिंग दिस इंक्रीज म्यूकर माइकोसिस इन दिस, एंड बिकॉज शियर नंबर ऑफ केसेज हाई, so the more number of patients are exposed to this, that's why you are getting more number. Plus, even we have seen the patients who have remained at home because of lack of
फैसिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सडन सर्च, लोगों ने घर में स्टीरॉयड शुरू करना शुरू कर दिया जबकि उनको जरूरत भी नहीं थी। हम कहते हैं कि जब तक सैचुरेशन 94 से कम ना हो, वो ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, तब तक स्टीरॉयड नहीं देने चाहिए। लोगों ने, मरीज को बुखार हुआ, उसको डर लगा कि मैं हॉस्पिटल में जा नहीं सकूंगा, जो बेड नहीं है, वो घर में ही स्टीरॉयड लेना शुरू कर दिए और कईयों ने तो बहुत ज्यादा डोज ले दी। और डायबिटीज थी, घर में कंट्रोल नहीं किया शुगर, शुगर हाई, स्टीरॉयड, कोविड एंड अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर न्यूकर माइकोसिस टू डेवलप। ओके, सो चंद्रशेखर, यू नो द मैसेज इज सिंपल, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। ये लोगों को बहुत भ्रम है कि जी स्टीरॉयड ले लेंगे बीमारी अंदर से ही खत्म कर देंगे, इन्फेक्शन खत्म कर देंगे। स्टीरॉयड इज अ वेरी डेंजरस थिंग, इट हैज टू बी टाइम्ड वेल, लेट योर फिजिशियन डिसाइड। एंड आल्सो टू द फिजिशियन, अमृत एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लिनिशियन इज समबडी हु गिव्स, हु टाइम्स इट राइट। योर पेशेंट माइट गेट हैप्पी इफ यू गिव हिम 4-5 ड्रग्स, बट द डॉक्टर्स आल्सो नीड टू बी केयरफुल व्हेन टू गिव इट, व्हेन नॉट टू गिव इट। And for people, for general public at large, please, please do not self-medicate. Chandrasekhar. Okay. हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं लखनऊ से, पूछिए अपना सवाल। कुलदीप भटनागर, कुलदीप सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ 65 साल की हैं, उनको डायबिटीज है काफी, और उनको कोरोना हुआ था दिसंबर में, जनवरी में वो निगेटिव आ गई और दोनों टीके ले चुकी हैं, और इस समय अगर उनको क्या ब्लैक फंगस होने की संभावना है क्या? डॉक्टर नीरू अग्रवाल, इनका आवाज बहुत, लास्ट लाइन बहुत क्लियर नहीं थी, इफ यू कुड रिपीट। इनका ये कहना है कि जनवरी में, ये इनकी वाइफ हैं नियर अबाउट 60 की ये बता रहे हैं, जनवरी में 65 की, जनवरी में इनको कोविड हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने बाद में वैक्सीन की दोनों डोज भी ले ली हैं। ये पूछते हैं कि क्या ब्लैक फंगस होने की कोई चांसेस है? ब्लैक फंगस, जैसे अभी डॉक्टर पुरी ने बताया कि ये कॉमन, इसके स्पोर्स जो है एटमॉस्फेयर में होते हैं, एयर में होते हैं, तो कोई भी पर्सन जो इम्यूनो सप्रेस्ड है उसको होने का रिस्क एक तो सम एक्सटेंट रहेगा, लेकिन जैसे हमारा कोरोना का पीरियड चल रहा है, लोगों को सेकेंड इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम उनके वीक हुए हैं, तो रिस्क आप कहें कि जीरो है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप मास्क यूज करते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स आपके नोज के थ्रू ही आपके साइनसिस में या लंग्स में जा सकते हैं, तो इससे चाहे आपको कोविड हो चुका है, आपने वैक्सीन ले लिया है, तो भी अगर आप मास्क का यूज करते हैं तो ये प्रोफाइलेक्सिस की तरह काम करेगा कि आपके और भी, चाहे आपका म्यूकर का इन्फेक्शन हो या कोई और भी इन्फेक्शन हो, तो उसको कैच करने की टेंडेंसी इन जनरल कम हो जाएगी। तो इन जनरल मैं नहीं कहूंगी कि आपको हो सकता है, लेकिन अगर टेंडेंसी कम करनी है फॉर एनी इन्फेक्शन एक्स वाई जेड बिसाइड म्यूकर, आपको जो है मास्क यूज करना ही आपका बेहतर रहेगा। ठीक है, डॉक्टर अशोक चौधरी, सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एक के बाद एक हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लीवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। अगर लीवर की किसी को कोई समस्या हो, हेपेटाइटिस हो या पीलिया उसको रहा हो, तो ऐसे लोग कितने ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं? सॉरी, कितने समय तक? दरअसल लीवर की अगर किसी को कोई समस्या रही हो, हेपेटाइटिस हो या लीवर की किसी तरह की कोई समस्या हो, तो ऐसे लोग कितने संवेदनशील हो सकते हैं कोरोना के लिए? देखिए, जैसे बताया ना, लीवर की बीमारी, जैसे डॉक्टर नीरू अग्रवाल ने बताया था, कोमॉर्बिडिटी में भी ये भी आ रही, और इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन लगभग 10 times मोर है नॉर्मल पॉपुलेशन से, और ये डिपेंड कर जी तो ये जब होता है तो ये डिपेंड करता है कि लीवर की प्रॉब्लम कितना ज्यादा है या लीवर की ट्रांसप्लांट हुआ है और उनकी मेडिकेशंस कैसे चल रही है। तो तीन चीज होती है, ज्यादा लीवर खराब है, काफी ज्यादा दवाई चल रही है जो इम्यूनिटी डाउन करने के लिए होते हैं, या ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें ये रिस्क रहती है। और ये डिपेंड करता है हमारा कितना एक्सपोजर से होती है, तो इसी के लिए मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमारा लीवर डिजीज में, मैक्सिमम लीवर के डिजीज में हमारे लिए वैक्सीन सेफ है, तो इसी के लिए लीवर वाले जितने मरीज है उन सबको मैं बोलूंगा कि वैक्सीन लेना है। आपके मन में कोई डाउट है तो जो भी आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं उनसे सलाह कर लीजिए,
जितना जल्दी ना जल्दी लीजिए। अभी भी हम देख रहे हैं काफी सारे पेशेंट जो आ रहे हैं कि अभी तक जो भी मिला था 45 के ऊपर होके कोमोरबिडिटी साथ है, अभी भी हो गया 45 विदाउट कोमोरबिडिटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोमोरबिडिटी, तब लेना ये नहीं हुआ है, ये चीज होनी चाहिए। थर्ड हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अनवांटेड मूवमेंट्स आउटसाइड, ये नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो ये है कि हमारा जो मैंने अभी पहले बताया था कि आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, और घर में भी रहते हुए भी मास्क यूज करना है, ये चीज करना है लिवर डिजीज के सारे मरीजों को। लिवर की प्रॉब्लम्स में काफी सारी चीजें जो मोस्ट कॉमन में आपको बताऊंगा, फैटी लिवर लगभग इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन है, मतलब हर तीसरी मरीज को, हम मरीज छोड़ दीजिए नॉर्मल पॉपुलेशन, हम भी यहाँ पे 4 लोग खड़े होते हैं उसमें 1 लोग को फैटी लिवर आएंगे, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस चीज में भी आपके थोड़ी सी रिस्क बढ़ता है, बट ये प्रॉब्लम होती कि उसके बाद लिवर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और कभी चांसेस हो जाते हैं। सिमिलरली हम और थोड़ा आगे चलते, जैसे आपने बोला कि हेपाटाइटिस है या सीरोसिस है, लिवर की बीमारी चल, लिवर की कैंसर है, इन ग्रुप में और भी थोड़ी सी रिस्क रहता है, बट इन सब पे वैक्सीन सेफ होती है। फिर ऐसे ही करके बाकी सारे चीज होते हैं, तो यही है मैंने जैसे बताया, वैक्सीन एंड सोशल वैक्सीन रेगुलर होनी है, और जितना जल्दी होगा आप वैक्सीन लगा लीजिए ठीक है, कोरोना से बचाने के। ठीक है। नारायण शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। नारायण शाह सवाल पूछिए आप। हाँ सर, सर मेरी मम्मी है जिनका एज है 65 ईयर। बोलिए जी। बोलिए। हाँ जी सर, जी मम्मी है मेरी 65 ईयर से उनका, और उनको हाई डायबिटीज है, मतलब 250 तक उनका डायबिटीज रहता है पीपी में। हाँ, उनका जो है कुछ दिन से उनको वीकनेस हो रहा है, और प्लस उनका जब मैं ऑक्सीजन से ऑक्सीमीटर से चेक कर रहा हूँ ऑक्सीजन, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में उनका 92 93 94 तक आ जाता है। जैसे उनको मैं डीप ब्रीदिंग करने के लिए कहता हूँ तो उनका 95 के ऊपर आ जाता है, तो क्या उनको मतलब ऑक्सीजन की जरूरत है? डॉक्टर नेहरू, इनको डायबिटीज लंबे टाइम से इन्होंने बताया है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है बीच बीच में, और साथ ही में वीकनेस है, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, तो कोरोना से रिलेटेड इन्हें टेस्ट करा लेना चाहिए, एक चीज़। दूसरा यह है कि अगर डीप ब्रीदिंग करने पे सेचुरेशन बढ़ रहा है और तो भी 95% तक ही पहुंच रहा है, तो इन्हें अपने आसपास जो भी इनका जो है हॉस्पिटल है या फिजिशियन डॉक्टर हैं आपके, उनको जाके चेकअप कराएं। ऑक्सीजन लगाना एक अपने आप में जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बेटर यह है कि पूरा प्रॉपर वे में डायग्नोज हो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो करें, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में कई बार जो है जैसे किडनीज का अफेक्टेशन होता है, ब्लड भी आपका हार्ट का अफेक्टेशन होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी स्वेलिंग आ सकती है, जिसमें लंग्स में अगर थोड़ा बहुत भी वाटर होगा तो वो मिमिक करेगा कि जैसे कोरोना के ही सिम्टम्स आ रहे हैं। तो प्रॉपर इवेल्युएशन एंड इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई फीवर की या कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कोरोना का जैसे आपका एपिडेमिक चल रहा है, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं, उनसे चेकअप कराएं कि ये फ्लूइड की वजह से हो रहा है या कोरोना की वजह से ही हो रहा है, जिससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नीरू, एक सवाल संक्षेप में, अभी हमारे पास ये सवाल आया हुआ है, ये ऑक्सीमीटर जो घरों में उपयोग कर रहे हैं लोग, कितना इस पर रिलाई कर सकते हैं? कई सारे ऑक्सीमीटर ऐसे भी हैं जो रीडिंग उस तरह से देते नहीं। ऑक्सीमीटर यूजुअली ठीक ही होते हैं, लेकिन उसमें है कि अगर आपने ठीक से इसको अपने फिंगर पे अप्लाई नहीं किया है तो कभी कभी इनिशियल रीडिंग बहुत कम आएगी, जैसे 92% आया, और वो पर्सन नॉर्मल है तो वो सोचेगा मेरा सेचुरेशन कम हो रहा है, मुझे कोई डिजीज है। अगर उसको आप अपना फिंगर पे ठीक से फिक्स करेंगे और प्रॉपरली, तो आप चेक करेंगे तो ठीक आता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट हो तो नहीं कह सकती, लेकिन मोस्टली ऑक्सीमीटर ठीक ही रीडिंग देते हैं। ठीक है। अगर सेल वीक है या बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो एक अलग इशू है। ठीक है, अमृत। Professor Puri, Dheeraj Jain asks on our Facebook page. He says, "Sir, some people got fever, some did not get fever after the vaccine dose. Why is this happening? What about the antibodies developed in both cases? Those who got fever, those who did not get fever post the dose." देखिए, इसका फीवर होना या ना होना का कोई रिलेशन नहीं है एंटीबॉडीज डेवलप होने। कुछ लोगों को जैसे ये भी कहा गया है कि जिसको जिनको एलर्जी के लक्षण पहले होते हैं, कोई दवाइयों से एलर्जी होती है,
उनमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, रेडनेस हो सकती है अराउंड दैट जहाँ पे टीका लगाया जाए। तो ये डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। फीवर इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी आउटसाइड एजेंट इंजेक्टेड इन टू द बॉडी। कोई लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग कम रिएक्ट करते हैं। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई से। इट हैज नथिंग टू डू विद द एंटीबॉडी डेवलपमेंट। सो डोंट वरी अगर आपको फीवर नहीं हुआ। मेरे को भी नहीं हुआ था दोनों बार। कईयों को नहीं होता और कईयों को फीवर हुआ था तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्यादा एंटीबॉडी पड़ती है। डॉक्टर पुरी, एक बात फैली हुई है कि जिनको फीवर हो गया उन पे वैक्सीन अच्छा असर कर रही है, जिन पे नहीं हुआ, क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे जहन में तो नहीं है कोई ऐसा कि हाँ भी फीवर इज, तो ये जरूरी नहीं है कि फीवर होना ही है तभी उसका असर होएगा। बट हमारे दो पैनलिस्ट और भी हैं, वो इसके बारे में कुछ जानते हो ज्यादा, तो उनसे उनसे पूछ लीजिए। डॉक्टर अशोक चौधरी, वुड यू वांट टू टेक दिस प्लीज? या ऑन व्हाट बेसिकली व्हाट द रिस्पांस टू द वैक्सींस? यस Yeah, it is, as rightly said by Dr. Puri, it is the person-to-person response to a foreign body. As you can say, the vaccine is like something, it is a virus, but which has been removed with harmless. So when this virus enters, the similar you said the vaccine, similar the COVID also. If someone is getting symptoms, 80% is not having symptoms, it is the same virus. Even another 50% is getting moderate to severe. So similarly, the vaccine response depends on personal immunity. But that personal immunity does not translate into that I should have fever more to have a good immunity, or we should have some headache like that. So that is, it is depends upon the person's response. So nothing in that way we should think that if I have fever, then I have a good vaccine response. If I have not, I have not like that. If you have any doubt, we can go for a antibody test, which you do for the antibody titers. If it is having high, that means the vaccine has been giving you protection. So don't go by these symptoms. Don't have an anxiety that I have not fever, I am not protected. So if you have any doubt, then you go for a, after 3 months, you go for a titer. You can see that if it is okay, then it is okay. But even if it's not okay, so there is no guideline till now in the India to get a third dose or a booster dose. So in my opinion, once you get vaccinated, the vaccine chapter is over. You just remain with the social vaccines to be protecting you for the whole lifetime till we are getting further data on whether we should give you a third dose or a booster dose, which may come as the science develops over the time. So for the time being, vaccines, no analysis, then adopt your social vaccines. So just continue these two. ठीक है, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर नीरू, एक सवाल हम अपने कॉलर से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ में आपसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे। एक सवाल हमारे पास आया है। एक शख्स हैं, उनकी पत्नी है, 49 उनकी एज है, और उन्होंने जब वैक्सीन का पहला डोज लिया था, वो डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, और पहला डोज जब लिया था उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर अप डाउन करने लगा है, तो अब वो दूसरा डोज लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या आप कहेंगे? वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने पहले का से उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं था। ब्लड प्रेशर एंग्जाइटी का एलिमेंट हो सकता है, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में कभी कभी जो है ब्लड प्रेशर कभी के अक्सर ही इनफैक्ट ब्लड प्रेशर होता है और देखा जाता है, क्योंकि उनका डायबिटीज एक सिस्टमिक डिजीज है। इसकी वजह से जो है बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। तो वैक्सीनेशन की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है एंग्जाइटी एलिमेंट से हो सकता है, या हो सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर इनको थोड़ा बहुत हाई रहता हो जो अब मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसको वैक्सीन से लिंक ना करें, और जो वैक्सीन का इनका ड्यू डोज है अकॉर्डिंगली इन्हें ले लेना चाहिए। और इनफैक्ट अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर लें, ना कि एंग्जायटी उसके लिए आप रखें अपने अंदर। ठीक है डॉक्टर नीरू, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेस्ट बंगाल से, मोहन जुड़ रहे हैं। मोहन बताइए, अपना सवाल पूछिए। रोहन, अपना सवाल पूछिए। पश्चिम बंगाल से रोहन, अपना सवाल पूछिए। चंद्रशेखर, आई थिंक रोहन इज नॉट गेटिंग अ वॉइस। ओके प्रोफेसर पुरी, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गेटिंग रिलेटेड टू द वैक्सीनेशन। गरिमा खरे आस्क्स ऑन आवर फेसबुक पेज, शी सेज गुड इवनिंग एवरीवन, माय मदर गॉट हर कोविशील्ड वैक्सीन ऑन द 9th ऑफ अप्रैल
and her second dose is due tomorrow. But when she got her first dose in the night, she had itching all over her body, along with high temperature for a couple of days. She also had a feeling of breathlessness for a few minutes, although it got settled after that. Is it safe for her to go for a second dose, or should she delay it further? Professor Puri. Dekhe, as far as time period between the two doses concerned, initially it was said that 1 month, then the recommendations went up to 6 to 8 weeks, and now currently the government is recommended 3 months. So, but the उनका जो primary जो अभी question जो लग रहा है उनको कि जब last time उनको हुई थी तो उस समय उनको temporarily breathless feel हुआ और उनको all over the body rashes हुए, which अगर I'm sure किसी ना किसी physician को उन्होंने जरूर दिखाया होगा, was it a allergic type of rashes? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जब anxiety से कोई इंजेक्शन लगने से देयर इज वेरी टेंपरेरी इरप्शंस हो सकती हैं बॉडी में इन द सेंस कि फ्यू मिनट्स एंड आपको लगता है रोंगटे खड़े हो गए, वो वाली चीज तो बड़ी टेंपरेरी होती है, एंजाइटी वगैरह से हो सकती है, पर अगर सारे बॉडी में रहे और 2-3 दिन रहे और बुखार हुआ, दैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली एंड दे शुड कंसल्ट द आई एम श्योर शी वुड हैव कंसल्टेड हर फिजिशियन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हेन शी गोज नेक्स्ट टाइम she must inform the people who are giving vaccination that she had this thing, so that any further action they can take at that point of time allergic reaction ko treat karne ke liye unke paas pure resources ho tabhi lagwaye. As far as breathlessness is concerned hai, unko dekhna chahiye ki unka blood pressure ki mareez to nahi hai. To kai bar jab blood pressure ki mareez को जब कोई एंजाइटी हो जाती है, इंजेक्शन लगवाते हैं, तो कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर पड़ता है, जिसके कारण उनको ब्रेथलेस हो सकती है. सो डोंट टेक इट लाइटली, बट एट द सेम टाइम डोंट ऐसा ना करें कि अपनी जो सेकंड डोज ना लें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आज की डेट में ये जरूरी रहना कि अपनी प्रोटेक्शन पूरी करे. हाँ, अगर उनको कुछ हुआ है लास्ट डोज में तो अपने फिजिशियन से बात करके पूरी प्रिकॉशन लेके नेक्स्ट डोज लगवाएं. सुजीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से. सुजीत, अपना सवाल पूछिए. सर हाँ, पूछिए पूछिए. सर मेरा भाई सर 23 साल का है, वो मई के फर्स्ट वीक में चेचक से पीड़ित था सर. चेचक जी, चेचक से. अभी वो ठीक है. उस पीरियड में सर फीवर काफी उसको हाई रहता था, और जब भी थोड़ा पैरासिटामोल की टेबलेट लेता था तो उसको रिएक्शन कर जाता था और शरीर पे दाग दाग आ जाता था. अभी वो सर ठीक है, तो क्या सर वैक्सीन लेना उसको ठीक रहेगा, क्योंकि वैक्सीन के बाद फीवर वगैरह आने के चांसेस रहते हैं. डॉक्टर चौधरी. हाँ नहीं, ये जो आपने पूछा ये है कि आपको पिछले बार फीवर हुआ था और उसके बाद आप बिल्कुल 1 महीने ठीक हो गए, तो अभी वैक्सीन लेना नहीं लेना वैक्सीन के डर. तो ये बताए कि वैक्सीन लेने के लिए पुराने वाले जो बीमारी के साथ संबंध है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, कोई किस कारण के लिए आपको अस्थमा जिस चीज होती है वो भी सारे मना नहीं है, आपके डॉक्टर से पूछ के या जो फलो उनसे लेके वो हो सकता है. सेकेंड है, आपको कोई मन में डाउट ऐसे कोई बीमारी की है जिसमें वैक्सीन नहीं लगने, तो आप जब भी वैक्सीन सेंटर जाने वहां पे जो मेडिकल अफसर उनसे सारे बताने हैं तब लेना है. तो इसी के लिए मेरे हिसाब से आप कोई बीमारी के लिए इतना नहीं सोचनी है, डॉक्टर की सलाह लीजिए या वैक्सीन की जो सेंटर में मेडिकल अफसर की सलाह लीजिए, तो ये सारी चीज करना. बट जब ये आते हैं पर्टिकुलरली आपके लिए, ये बुखार 1 महीने पहले हुआ था कोई भी कारण से हो, अभी उसके साथ वैक्सीन के बारे कोई रिलेशन नहीं है. वैक्सीन के बाद जो बुखार होती है वो 1-2 दिन के लिए होता है एंड ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, तो सिंपली पैरासिटामोल टैबलेट से कम हो जाती है, तो उसके साथ कोई संबंध नहीं. छोटा मोटा इलनेस के साथ भी आप ले सकते हैं, कोई मेजर इलनेस जो मैंने बोला कि जिसमें नहीं ले सकते उसके लिए आपके डॉक्टर बता सकते. तो सबको मिलाए आमतौर पर यही है कि आपको वैक्सीन लेनी है,
कोई मन में शंका है तो मेडिकल पर्सनल से आपका डाउट क्लियर करिए, और आपके केस में आप बिल्कुल ले सकते हैं वैक्सीन, बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं ले। ठीक है डॉक्टर साहब, दरअसल अमृत भी इस बात को समझते हैं, जब से हम ये डॉक्टर्स स्पीक के कार्यक्रम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सवाल यही आते हैं कि हमें ये हो गया या ये था, हमको वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रोफेसर पुरी, किन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? देखिए, नहीं लेना चाहिए ऐसी बात नहीं है। हाँ, अपनी फिजिशियन से बात करना चाहिए वो जरूर है। कुछ लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उन पेशेंट्स को अगर और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कुछ दवाइयां दी जा रही होती हैं जो इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए। अब इन इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए जब दवाई दे जा रही हो तो जो उसको जो इंजेक्शन लगाएंगे उससे भी उनकी जो इम्यूनिटी है वो शायद पूरी तरह ना बढ़े, तो इसलिए उनको फिजिशियन से, अपने ट्रीटमेंट फिजिशियन से जरूर बात करें ताकि अगर उन्होंने जो इम्यूनिटी सप्रेस करने की दवाइयां हैं उनको थोड़ी देर के लिए कम करना है कि नहीं करना है वो आप बता सके। दूसरी बात है, कुछ वैक्सीन्स का ये कहा जाता है कि दे आर बेटर फॉर सच इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी भारत में बनी कोवैक्सीन है वो शायद इन सिचुएशंस में बेटर है फॉर द पेशेंट्स। एज फार एज एलर्जिक रिएक्शन, जिनको बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुए हों, एनाफिलैक्सिस कि एक बार कोई दवाई लगाई उसके से ब्लड प्रेशर गिर गया, सांस फूल गया, उनको तभी उनको भी लगवाना है, पर उनको लगवाना है हॉस्पिटल में जाके जहां उनको रेसुसिटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, अगर किसी तरीके से किसी कारण वो इस वैक्सीन को रिएक्ट कर दे। ठीक सो है प्रोफेसर पुरी। लास्ट जो है, एक बात नजर, प्रेग्नेंट लेडीज को बताया गया है अभी तक कि नहीं लेना है क्योंकि इसके टेस्ट नहीं हुए हैं, पर ऐसा नहीं है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करके आप ले सकते हैं, बट दिस इंडिविजुअल डिसीजन, गवर्नमेंट डज नॉट रिकमेंड। अर्लियर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स वर आस्क नॉट टू बी गिवन, वो भी अभी सरकार ने ओके कर दिया है। बच्चों में था पहले कि 18 साल से पहले नीचे वाले बच्चों में ये ट्राई नहीं हुआ है, बट यूएसए में की स्टडीज आई हैं कुछ जो कहते हैं कि 12 से 18 साल के बच्चों को भी ये सेफ है वैक्सीन। ठीक है प्रोफेसर, अमृत अपना सवाल पूछें, उससे पहले एक छोटा सा सवाल हमारे यहीं न्यूज़ रूम से आया हुआ है। सवाल ये है कि किसी की अगर हार्ट की सर्जरी हुई हो उसको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये मेरे लिए क्वेश्चन है जी। जी। जिसको हार्ट की सर्जरी हुई है उसको जरूर लेना चाहिए, और अपनी जो दवाइयां ब्लड थिनर है उनको बंद नहीं करना है जब आप ये वैक्सीन ले। अनफॉर्चुनेटली शुरू शुरू में लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया था कि इंजेक्शन लगाने से ब्लीडिंग हो जाएगी अगर आपने ब्लड थिनर खाए हो, तो वो नहीं है, वेरी मिनिमल अगर कोई देखती है, एंड डजेंट अफेक्ट द इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय द दिस इंजेक्शन। सो प्लीज मस्ट यू मस्ट टेक, बिकॉज एनी कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे पहले भी शुरू में मेरे पैनलिस्ट सहयोगियों ने कहा कि कोमॉर्बिड कंडीशन वाले पेशेंट्स को जरूर लेनी है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है अमृत। मैं एक तीनों डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर दूं कि व्हेन से समबडी एल्स स्पीक्स, प्रोफेसर पुरी, यू कैन बी एट वेरियंस विद द अदर डॉक्टर्स ओपिनियन, सो इफ यू वांट टू कम इन, वेदर काउंटर इट और सपोर्ट इट और वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज फील फ्री टू कम इन। डॉक्टर अग्रवाल, राज नागपाल आस्क्स दिस क्वेश्चन, ही वांट्स टू आस्क, हिज क्वेश्चन इज मेटमॉर्फिन एन इम्यूनो सप्रेसेंट? इस मेटफॉर्मिन, मेटमॉर्फिन नो, एन इम्यूनो सप्रेसेंट, मेटफॉर्मिन नो, सॉरी इट इज नॉट इम्यूनो सप्रेसेंट, मेटफॉर्मिन,
Yeah, I'm pronouncing it wrong. Metformin is anti-diabetic. Yes, metformin is anti-diabetic drug. It is given to the diabetic patients and sometimes in patients of obesity. लेकिन immunosuppression का इससे कोई link नहीं है. और अगर कोई person metformin ले रहा है, diabetic है, नहीं है, उसके लिए vaccination के point of view से कोई contraindication नहीं है. ठीक है. अमृत और सवाल है आपके पास? हाँ जी जी. Let me take the other question. From this thing, Rohit Jual says a sugar patient aged 53 years of age, now COVID negative, was admitted in ICU for the last 1 month, has had the 27% infection in the lungs and also infection in the blood. His question is, how much time will the patient take to recover fully? Dr. Chaudhary, would you want to take this, please? Yeah, so basically three, four things he has suggested, that the patient is having more than 1 month and now he is having lung infections and blood infections. So here we need to know about his exactly condition for the disease, because the more the hospital stay and if you are getting infection even after 1 month of stay, then thing is more complicated. No, Dr. So, Chaudhary, I think he wants to say that the patient was COVID positive, was admitted in the ICU for about 1 month. Now he's COVID negative. During that period, he had 27% infection in the lungs and also understandably his blood, there was infection in his blood. Now this gentleman has recovered. His age is 53. He's a diabetic patient. He wants to say, wants to ask, how much time will he recover fully? That means basically he wants, perhaps wants to know, as I understand, that the lungs that would have been affected, etc. Now that he's become COVID negative, the long-term effects on his body, how much will he, in how much time will he recover fully? Yeah. Or have he recovered? Yeah, it is totally different story. So when you have been discharged from a such an illness and you are in the home, so why are you worried for the future? The first of all, one thing I want to say. Second, 27% lung infection is not a bad. Then it is already 1 month post recovery, post COVID. So things are okay. So now what you may have facing is a little bit of weakness and difficulty in doing the daily activities because of a lot of weakness, or a little bit maybe some cough. So in that case, not want to see the timeline. You just do what is called as a post-COVID recovery physiotherapies, post-COVID exercises. You increase your diet. You do all the things to boost your energy so that you get rejuvenated. So this lung will be back nearly to normal. You will be back to normal. So nothing to worry for. It may take 15 days, it may take 1 month. But our experience personally, it is hardly 1 month maximum. So already you are towards the end of this month. So I think you will recover soon. So don't forget the timeline. You just focus on your rehabilitation program for the chest physiotherapy, for the muscle exercise, for the diets and other things. So focus on that more. Okay. Chandrasekhar, ek sawal main aur le lu. Ye Jia Jayashree Valuri ka question hai. Jia, I'll take your question. But and I'll let the doctors answer that. I think it's a valid question. But Jia, my advice to you is, don't worry too much. In these, you know, COVID times, what we are doing is we're taking a lot of mental stress. We just need to follow our COVID protocols. As Dr. Chaudhary says, the social vaccination, get vaccinated if we are eligible. And then, you know, live a normal as we can live. But anyway, Dr. Agarwal, if you could answer Jia's question. She says her age is 33. She is not vaccinated. She has a 5-year-old kid. Her question is, can she plan a second baby as she's afraid of the third wave, which is said to, if it comes or whenever it comes, will affect kids more. So can she plan a second baby? Dr. Agarwal. Yeah, first thing is, now this is the time for vaccination. If you have not been vaccinated, first thing is you should go for your vaccination, get both your vaccines well in time. Second thing is your question whether you should conceive or not. So this is your personal choice. It is nothing to see, there are
options. But if you take a vaccine, or many other people take the vaccine, most of them will be immunized by next 5 or 6 months. So first priority is vaccination. Second is your choice, and it's going to affect in the womb. No one can say, because you, if you conceive, you would, the it will take another 9 months. So I don't think this question should come to your mind. I think, like Amrit said, you should live a free, comfortable life. Too much of anxiety would not serve any purpose. ठीक है अमृत, आज वेस्ट बंगाल से कुछ ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं, लग रहा है वहाँ चुनाव खत्म होने के बाद अब लोगों को कोरोना की. ठीक है, राहुल शाह हमारे साथ वेस्ट बंगाल से जुड़ रहे हैं. राहुल, अपना सवाल पूछिए. जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे पिताजी का 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था, और अभी भी उनका दवा कंटिन्यू है, जैसे वायमाडा 200 mg. तो क्या हम, तो आप एक बार सवाल रिपीट कीजिए. जी, मेरे पिताजी का 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था, और वो अभी भी उनका दवा कंटिन्यू चल रहा है, जैसे वायमाडा 200 mg. तो क्या वो वैक्सीन ले पाएंगे? प्रोफेसर पुरी. हेलो, सॉरी, ऑन दिस क्वेश्चन, कैन यू रिपीट सर? इनका एंजियोप्लास्टी चल रहा था, इनके फादर का, तो 2 साल पहले से अभी भी वो दवाएं ले रहे हैं, उनको वैक्सीन देना अभी चाहिए. पहले बोला कि अगर हार्ट सर्जरी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, उनको जरूर लेना है, और जब लेना है तो अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी. ये मेरा कहना है कि कोई भी, क्योंकि उनको ज्यादा ज्यादा जरूरत है कि वो कोरोना का इन्फेक्शन उनको ना हो, क्योंकि उनको नुकसान कोरोना से कोमॉर्बिडिटी होने के कारण मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी चांसेस ज्यादा है, इसलिए वो जरूर ले. ठीक है डॉक्टर नीरू, एक सवाल ये है कि अगर हम कैंसर की बात करें तो कई सारे लोग सवाल पूछते हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके वैक्सीनेशन को लेकर के, या वो कोरोना के लिए कितने संवेदनशील हैं, किस तरह से उनको बचना चाहिए, क्या कुछ आप कहेंगे? कोई भी इम्यूनोसप्रेस पर्सन जिसकी किसी बीमारी से फाइटिंग पावर कम है, जो वीक है, उसको वैक्सीनेशन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. इनफैक्ट जैसे अभी डॉक्टर पुरी ने भी बोला, उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं, जो भी कैंसर से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन पर होते हैं, और ऑलरेडी उनकी जो है बीमारी से लड़ने की पावर बहुत कम होती है, उनका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें डेफिनेटली लेना चाहिए. साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी सर्जरी हुई है, पेशेंट ब्लड थिनर्स पर है, चाहे वो एंटी प्लेटलेट्स हैं या एंटी कोएगुलेंट्स हैं या हार्ट सर्जरी है, तो ये एक्चुअली इसमें ब्लीडिंग के रिस्क से वो लोग पूछते हैं कि हमें वैक्सीनेशन लेना है कि नहीं लेना है. तो अगर वो ब्लड थिनर पर हैं भी, तो अगर सपोज उनको कोई चोट भी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस चोट का कोई, वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, वो भी ब्लीडिंग रुकेगी. तो अगर वैक्सीनेशन का एक स्मॉल प्रिक है और उसकी वजह से उन्हें वो डर लग रहा है कि ब्लीडिंग ना, उन्हें वैक्सीनेशन को बिल्कुल नहीं रोकना है, वैक्सीनेशन लगाना है. जरा सा प्रेशर, जो कॉटन वो अप्लाई करने को कहते हैं, उससे प्रेशर थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, 5 to 10 minutes के लिए प्रेशर अप्लाई कर दें, जिससे उनको ब्लीडिंग ना हो. तो कैंसर पेशेंट्स का जहाँ तक सवाल है, डेफिनेटली दे आर मोर ससेप्टेबल टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोरोना इन्फेक्शन. ठीक है अमृत, सवाल. डॉक्टर चौधरी, गुरप्रीत सिंह बिलिंग आस्क्स ऑन Facebook page. He says, I'm a patient of bad cholesterol and sometimes high blood pressure. I was vaccinated with Covishield on 15th of May. My next due date is 7th of August. Can I take the next dose, or first should I do a lipid profile test? Nowadays, I feel a lot of tiredness. Dr. Chaudhary? Yeah, no. Basically, as we have repeatedly discussed, so vaccine and this lipid profile is a very minor illness, so no need to worry to repeat for it. But because you have taken May and is going to August, you are on maybe some medications, so you need quarterly doing your lipid profile test. So for that purpose, you need to go for that, but not for this vaccination purpose. Second, this weakness, because you have took the vaccine on 15th, today is 21st, so it is around 5 to 6 days. Sometimes may this weakness, headache may prolong for 5 to 7 days, very rarely. So this is maybe because of this only, and it will be settled in period of 1 or 2 days more. So that's not an issue. So you
feel comfortable, take medications you are taking for the, anything for the cholesterol, and not to worry for this weakness right now, and get ready for your second vaccination as scheduled, and no need of doing a lipid profile if it's not required by your physician, or if you are not in a regular monitoring protocol for the medications. So be relaxed on that point of view. Okay. ठीक है प्रोफेसर पूरी, एक सवाल अक्सर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो वैक्सीन में डिले हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हफ्ता या 10 दिन डिले हो गया हूँ सेकेंड डोज के लिए, तो क्या मैं अभी भी ले सकता हूँ? विल इट नॉट बी दैट इफेक्टिव? इफ यू कुड प्लीज क्लियर द एयर ऑन दैट। देखिए, अगर 5-10 दिन लेट भी हो गए हैं, बेटर लेट देन नेवर, मैं तो यही कहूंगा आप जाइए लगवाइए, क्योंकि सेकेंड डोज लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी बूस्टर, इससे स्टार्ट अप बूस्टर फॉर योर इम्यूनिटी, पहली इंजेक्शन से भी कुछ इम्यूनिटी मिलती है, पर सेकेंड के बाद और ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है, और इसलिए ये भ्रम नहीं है कि 2 दिन लेट हो गया या 2 दिन अर्ली है या 10 दिन लेट हो गया, ऐसे कोई नहीं। रादर कोविशील्ड लगाने वाले के लोगों के लिए तो ये अच्छा है कि अगर 10 दिन लेट हो जाओ तो उसका जो रिस्पांस है वो शायद बेटर है, जो स्टडीज बताती हैं। और कोवैक्सीन वालों के लिए अभी तक कोवैक्सीन का कोई डाटा नहीं है, पर कोवैक्सीन को भी ऐसा नहीं कि 2 दिन लेट हो जाए तो नहीं करवाना या उसका कोई नुकसान हो जाने वाला है। दे मस्ट, उसका जो टाइम पीरियड 4 हफ्ते का है उसके बाद वो लगवाएं, अगर 5वां हफ्ता भी हो जाता है तो जरूर लगवाएं, उससे को उसे सेकेंड डोज लगाना बहुत जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है डॉक्टर पुरी, डॉक्टर नीरू और डॉक्टर चौधरी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। अमृतपाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय ख़त्म हो रहा है और काफ़ी कुछ जो कोरोना से संबंधित आपके सवालात थे यहाँ पर उनके जवाब मिले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको पहले से किसी तरह की बीमारी हैं, वो किस तरह से अपनों को सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ अगर किसी कारणवश उनको कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो किस तरह से वो उसका इलाज कराएं, ये सब सवालों के जवाब यहाँ पर मिले हैं। और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि पहले से जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं भारत में वो पहले से कुछ कम हो रहे हैं इस वक्त पे, और जो तमाम कोशिशें केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकारों की ओर से की जा रही हैं उनका कहीं ना कहीं असर दिख रहा है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य नहीं हैं। और आप वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है, वैक्सीनेशन अपने को करवाइए, और साथ ही साथ जो आपकी नेचुरल वैक्सीन है, जो मास्क है, हाथों को सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका भी ज़रूर पालन कीजिए। नमस्कार।